क्या आपको ये चिप्स का याद है? जिसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी और इसने मार्केट में आते के बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया था जानते हैं ऐसी तीन मिस्टेक्स जिसने इस प्रोडक्ट को हीरो से जीरो बना दिया नंबर वन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग हिपो चिप्स इंक्लूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट और, और शब्दों में It was a healthier option compared to other products available at that time. But the fun fact: kabibi hippo chips ko a healthier option promote hi ni kya It is a very known phase in the world of advertising and marketing industry: when everything fails, use emotions. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हर प्रोडक्ट मैगी नहीं बन सकता सपोज आपको एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है बहुत ज्यादा बताया जा रहा है उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेने जाते हैं और आपको मिलता ही नहीं है एग्जैक्टली exactly, यही हुआ हिपो चिप्स के साथ भी डिमांड हिपोिपिप्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और कंपनी उस डिमांड को फुलफिल करने में पीछे रह गई दिस लीड्स टू अर थर्ड पॉइंट कॉम्पिटिशन वेफर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है तो सपोज को हिप्पो लेने गया उसको हिप्पो मिला नहीं तो ऑफकोर्स को दूसरा पैन उठा के लिए आएगा इन सब कारणों की वजह से हिपोचिप्स हिप